नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपत्र का, जिसमें हम राष्ट्र के हित से जुड़ी अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। जहां सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां चुनावी समर के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी आज हुंकार भरते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा है। और पीएम मोदी ने यहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान का भी जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह ना हो, लेकिन पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान इन्हें लेकर बहुत ज्यादा हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। इन्हें घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो वही सबसे पहले वो बयान सुना देते हैं जिसको लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। जिस प्रकार से हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पर चुनावी समर देखने को मिल रहा है। घोषणा पत्र आ चुका है जहां कांग्रेस सात वादों पर अपना जोर देती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली सरकार के नए मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों के नामों का खुलासा हो गया है। जी हां, इस मंत्रिमंडल में मुकेश अहलावत का नाम सामने आया है। जी हां, ये वो चेहरा है जिसको लेकर ज्यादा सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। बाकी 4 पुराने ही मंत्री हैं, जिनमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन का नाम शामिल है। आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उन्हीं के साथ ये 5 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। मुकेश अहलावत पहली बार के विधायक है। उन्हें आतिशी के मंत्रिमंडल में SC/ST कोटे में मंत्री बनाया जा रहा है। समीकरण की अगर बात करूं, जो चुनावी समीकरण है और उसके साथ दिल्ली का समीकरण है, उसमें आतिशी कैबिनेट में SC/ST कोटे से मंत्री बनाई गई है। आप सरकार के राजनीतिक इसकी मजबूरी भी थी। सबसे पहले दिल्ली सरकार के SC/ST मामलों के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणी करने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद वो आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राजेंद्र पाल गौतम के बाद राजकुमार आनंद को SC/ST मामले का मंत्री बना दिया गया है। तो वही लगातार इस मामले में सियासत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी ने सपा नेताओं की तुलना कुत्ते की दुम से कर दी है। वही पलटवार में अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे गुस्सा आता है वो भला योगी कैसे हो सकता है। तो वही सारा दिन इसी मुद्दे पर चर्चाएं होती रही। पहले वो रिपोर्ट देखिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई, डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे के 2 सियासी सूरमा आपस में खूब टकरा रहे हैं, जिसकी धमक से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त आग लगी हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बगैर नाम लिए मठाधीश और माफिया बना डाला। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो उधर सीएम योगी ने खुले मंच से अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक अपने अंदाज में कर रहे हैं। याद औरंगजेब की दिलाई जा रही है, टैग भस्मासुर का दिया जा रहा है, तो साथ में माफिया सरकार का बादशाह भी बता दिया जा रहा है।
सपा प्रमुख अखिलेश संकेतों के जरिए सीएम योगी को मठाधीश और माफिया के बाद अपराधी भी बता रहे हैं, तो उधर गुस्से से भरे सीएम योगी ने अखिलेश को खुलेआम भस्मासुर की संज्ञा दे डाली। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। यूपी की सियासत में रावण औरंगजेब मठाधीश और माफिया वाला एपिसोड क्यों शुरू हुआ? पीडीए की राह पर वोट बैंक की राजनीति में कैसे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी योगी पर बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच छिड़ी जंग, साधु महात्मा और औरंगजेब की एंट्री क्यों हुई, ये हम आपको बताते चलें। दरअसल अखिलेश यादव सनातन का विरोध करते करते भारतवर्ष के इतिहास को भूल चुके हैं। पीडीए को धार देने और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पल्ले में करने में जुटे अखिलेश सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, तो उधर सीएम योगी भी औरंगजेब के शासनकाल में हुए हिंदुओं पर अत्याचारों को याद कराकर अखिलेश के ध्रुवीकरण करने वाली नीति का पर्दाफाश करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव हिंदुओं को ठाकुर, पंडित, दलित और ओबीसी की जातियों में तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि बीजेपी के कोर वोटरों में फूट डाली जा सके, तो वही सीएम योगी अखिलेश और उनकी पार्टी पर माफिया और दंगाइयों से गठजोड़ की बात करते हैं। माफिया अतीक के साथ सपा प्रमुख के रिश्ते और शीशे की तरह साफ है, वही माफिया मुख्तार के साथ अखिलेश का इफ्तार पार्टी करना बताता है कि अखिलेश यादव का माफिया और दंगाइयों के बीच कैसा रिश्ता था। ये दोनों ही माफिया अखिलेश के लिए मुस्लिम वोट बैंक का काम करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अखिलेश में MY के फॉर्मूले का सत्यानाश हो गया, जिसके बाद अखिलेश ने बीच का रास्ता निकाला और उस रास्ते को नाम दिया PDA। लेकिन अखिलेश के लिए PDA की राह इतनी आसान नहीं है, जिसके लिए अखिलेश खुलकर सनातन विरोधी हो चुके हैं। अखिलेश अब अपराधियों और माफियाओं से अपना नाता जोड़ रहे हैं और लगातार अपराध और अपराधियों पर हो रही कार्रवाई में जाति समीकरण निकलकर सरकार सियासी वार कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई, डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं, वो नाम वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहां पूछ रहे थे, बताओ उसमें PDA परिवार के लोगों के 60-70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो PDA के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। इससे पहले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से एक दूसरे के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। यूपी के सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को गुमराह करने वाला बताया। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने उसे दरिंदों का गैंग बता दिया, तो अखिलेश की पूर्ववर्ती सरकार की नाकामियां और उस समय लोगों के मन में गुंडे, अपराधियों और मवालियों की दहशत भरे माहौल को याद कराते हुए योगी ने कहा, 10 साल पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी। बबुआ 12 बजे सोकर उठता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। अखिलेश यादव माफियाओं का सरगना है। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि,
रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को बैन करती थी। अखिलेश को माफिया और मठाधीश वाले बयान में अखिलेश यादव को अपने पैर पीछे करने पड़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भी हमला बोला। माफिया कर मठाधीश वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी और सीएम योगी की तस्वीर देख लो, कौन माफिया दिखता है, हमारे मुख्यमंत्री मठाधीश है। लगे हाथ सपा अध्यक्ष ने बहराइच में भेड़ियों के आतंक के मुआवजे की भी मांग कर डाली। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दो सियासी सूरमाओं की आपस में तकरार कहां तक जाएगी। क्राइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।